टाइप्स ऑफ एक्सकेवेशन, जो कि यहाँ पर एक्सकेवेशन फुटिंग में और फाउंडेशन में डालने से पहले हम एक्सकेवेशन करते हैं उसके कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट हम जो कि पिट एक्सकेवेशन, जो कि कॉलम, अगर ये जो कॉलम की जो कि हमारा ये फुटिंग है, ओके, फुटिंग के जो हम इसको एक्सकेवेशन करते हैं ये बॉक्स में टाइप में, ओके, कॉलम का जो भी मार्कआउट होता है उसके लेवल के हिसाब से। लेकिन अगर ये दो कॉलम का डिस्टेंस अगर लॉन्ग, ओके, लॉन्ग रहा तो हम यहाँ पर पिट एक्सकेवेशन यूज़ करते हैं। ओके, पिट एक्सकेवेशन मतलब लॉन्ग अगर रहा तो, ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए ये फुटिंग है, ये है, ओके, 1 एंड 2, इसका डिस्टेंस जो है वो हमारा लॉन्ग है, तो हम यहाँ पर एक्सकेवेशन का हम जो जो कि इसका टाइप है ये वो है, ये है पिट एक्सकेवेशन, जो कि टू कॉलम का डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा रहा तो हम यहाँ पर ये एक्सकेवेशन करते हैं। ओके, यहाँ पर जो कि एक्सकेवेशन जो हम जब करते हैं यहाँ पर फुटिंग के, जो कि ये जो साइज़ है फुटिंग की, फॉर एग्जांपल 3 फीट बाय 3 फीट, ओके, तो एक्सकेवेशन जो हम करते हैं वो हमारा होता है 1 फुट हम एक्स्ट्रा करते हैं फॉर कवरिंग एंड कास्टिंग के लिए, जो कि यहाँ पर 4 स्क्वेयर, ओके, 4 फीट बाय 4 फीट जो कि एक्सकेवेशन होगा। और यहाँ पर जो कि कास्टिंग और कवरिंग का यहाँ पर कवर भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये कवर हो जाएगा 1 फुट के लिए, मिनिमम 1 फुट तो हम यहाँ पर ये करते हैं। ओके, यहाँ पर जब हम यहाँ पर एक्सकेवेशन करते हैं तो डेप्थ कितनी रखते हैं, डेप्थ हम यहाँ पर जो कि यहाँ पर ये ब्लैक कॉटन सॉइल दिख रही है आपको, यहाँ से यहाँ तक मिनिमम से मैक्सिमम मिनिमम 3 फिट तो यहाँ पर डेप्थ होती है। ओके, 3 फीट यहाँ पर डेप्थ होती है, उसके बाद यहाँ पर पीसीसी का यहाँ पर बेड लगाया जाता है, ओके, यहाँ पर फुटिंग के ऊपर। तो यहाँ पर जो कि इसका डेप्थ है ये 3 से 4 फीट होता है, ओके, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो कि आप जो कि सॉइल, अगर ब्लैक कॉटन सॉइल या फिर लूज सॉइल, यहाँ पर अगर जितना जल्दी अगर हार्ड स्ट्राटा मिल जाएगा तो उतना डेप्थ यहाँ पर वहाँ से 3 मीटर, ओके, ये 3 फुट, ओके, 3 फुट यहाँ से हार्ड स्ट्राटा यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल से 3 फिट। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर मास एक्सकेवेशन, मास जो कि होता है यहाँ पर, अगर प्लॉट यहाँ पर हमारा ये रहा प्लॉट, ओके, हमारा यहाँ पर ऐसा पिट एक्सकेवेशन में कर सकते थे, ओके, यहाँ पर जहाँ पे कॉलम है वहाँ पर एक्सकेवेशन। लेकिन यहाँ पर मास एक्सकेवेशन में यहाँ पर ऑल पूरा प्लॉट जो कि एक्सकेवेशन होगा, ओके, ऑल साइट यहाँ पर पूरा एक्सकेवेशन होगा, ऑल साइट यहाँ पर ये पूरा एक्सकेवेशन होगा, यहाँ पर भी इसकी डेप्थ ऐसी ही होगी, ये मैक्सिमम रफ फाउंडेशन और पाइल फाउंडेशन, अगर यहाँ पर सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी अगर लूज रही तो यहाँ पर रफ ये टाइप का फुटिंग हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि रफ फाउंडेशन, जो कि यहाँ पर पूरा एक कॉलम दूसरे कॉलम से यहाँ पर लिंक है, तो यहाँ पर ये हम मास यूज़ कर सकते हैं। ओके, मास एक्सकेवेशन। अब रफ फाउंडेशन और जो कि इसमें आएगा ये कॉलम का जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये शॉर्टर होता है, ओके, शॉर्टर होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मेरा कॉलम है और यहाँ से 6 इंच के बाद दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पर 6 इंच का यहाँ पर एक्सकेवेशन करते टाइम यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, इसलिए यहाँ पर मैं पूरा ही एक्सकेवेशन करूँगा। तो यहाँ पर ऐसे ही ये पूरा मास एक्सकेवेशन यहाँ पर इसको कॉल करते हैं हम, ओके। और मास एक्सकेवेशन में जो कि यहाँ से जो कि हम यहाँ पर सपोर्टिंग के लिए कास्टिंग के लिए जो कि प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, ओके, जो कि कवर प्रोवाइड करते हैं, ओके, कब प्रकार का अगर यहाँ पर एक्सकेवेशन देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सब कॉलम इंटरलिंक है, लेकिन यहाँ का जो कि स्पेसिंग है ये है कम, लेकिन यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, ओके, फॉर रफ फाउंडेशन, और जैसे कि यहाँ पर ये एक दूसरे सबसे कनेक्ट था, ओके, लेकिन यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं है, फिर भी यहाँ पर गैप है, फिर भी यहाँ पर मास एक्सकेवेशन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर इसका गैप जो कि है ये कॉलम का टू कॉलम से जो कि एकदम 2 फीट या 1.5 फीट यहाँ पर था, इसलिए यहाँ पर मास एक्सकेवेशन किया गया था। ओके,